Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello, good morning students. लास्ट टाइम हमने इंडेक्स नंबर के अंदर एग्जांपल के अंदर शॉर्ट सम के बारे में डिस्कशन किया था बेटा. आज हम एक्सरसाइज 1.3 का 5 नंबर का सम देखने जा रहे हैं बेटा. मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा. Find the index number from the following data for the year 2015. यहां देखो बेटा, आपको यूनिट का कॉलम दिया है. जब भी हमारे पास यूनिट का कॉलम है तो हमें अंदर का जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो चेंज करना पड़ता है. तो कैसे चेंज करेंगे? तो पहले आइटम ए की बात करें. आइटम ए के अंदर यूनिट में 20 केजी लिखा है. देखो अंदर भी क्वांटिटी केजी में ही है, तो एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया है कि यूनिट में केजी है तो अंदर भी केजी ही है. ओके बेटा, बट यूनिट के अंदर 20 केजी लिखा है तो हमें यहाँ 20 केजी नहीं चाहिए, हमें यहाँ 1 केजी चाहिए. हमें यहाँ 1 केजी का प्राइस चाहिए. तो 1 केजी का प्राइस लाने के लिए जो प्राइस है वो प्राइस को हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? 20 से. ओके, आइटम ए में कोई प्रॉब्लम? नो. बी की बात कर बेटा. बी के अंदर देखो, बी के अंदर आपको 5 डजन दिया है बेटा. 5 डजन. अब क्वांटिटी जो है 1 डजन में है एंड सेकंड जो है पीसीस में है. 1 डजन सेकंड पीसीस, तो क्या करने का? तो ये बराबर ध्यान से याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा. तो यूनिट के अंदर 5 डजन है, क्वांटिटी डजन एंड पीसीस में है. तो पहले फर्स्ट आपको जो प्राइस जो 5 डजन की है ना, इसके बदले आपको 1 डजन की लानी है. तो 1 डजन की प्राइस लाने के लिए जो प्राइस है ना, वो प्राइस को आपको 5 से डिवाइड करना है बेटा. प्राइस को कितने से डिवाइड करना है? 5 से. तो 1 डजन का आपको प्राइस मिल गया. अभी यूनिट में 1 डजन है तो अंदर भी डजन ही होना चाहिए. तो यहां तो डजन ही है, तो नो प्रॉब्लम. बट लास्ट में जो 48 पीसेस दिए हैं, वो 48 पीसेस को डजन में कन्वर्ट करने के लिए 48 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से. तो याद रखो बेटा, आइटम बी के अंदर क्या करना है? तो पहले प्राइस को 5 से डिवाइड करना है एंड आफ्टर क्वांटिटी को डजन में कन्वर्ट करने के लिए 48 पीसेस को भी 12 से आपको डिवाइड करना होगा बेटा. क्लियर? आइटम सी की बात करें तो आइटम सी के अंदर देखो बेटा, यूनिट में केजी दिया है आपको, है ना? तो यूनिट में आपको केजी दिया है और अंदर की जो क्वांटिटी है वो ग्राम में है. देखो यहाँ केजी है और यहाँ ग्राम है, 5000 ग्राम. यहाँ तो केजी है, नो प्रॉब्लम. तो मैंने आपको बेटा बताया था कि जब यूनिट के अंदर केजी है एंड क्वांटिटी अगर ग्राम में है तो ग्राम को 1000 से डिवाइड करो. मैंने वर्ड बोला था ग्राम को, क्वांटिटी नहीं बोला था, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी तो 2 है. तो एक में ग्राम है, सेकंड में केजी है, तो केजी को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं. ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ ग्राम को हम कितने से डिवाइड करेंगे बेटा? 1000 से डिवाइड करेंगे. कितने से बेटा? 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे बेटा.
तो यहाँ हमें 5 kg मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? 5 kg। ओके लास्ट बेटा डी। डी में देखो बेटा, यूनिट में 5 लीटर है और क्वांटिटी भी लीटर में, तो लीटर में तो वो तो नो प्रॉब्लम, बट यहाँ जो 5 लीटर है तो हमें जो प्राइस है 52 को 5 से डिवाइड करना होगा एंड 58 को भी 5 से डिवाइड करना होगा। तो बेटा पूरे सम की बात कर लें, आइटम ए में क्या करना है, तो आइटम ए में प्राइस को 20 से डिवाइड करना है, आइटम बी में प्राइस को 5 से एंड पीसीस को 12 से डिवाइड करना है, आइटम सी में ग्राम को 1000 से डिवाइड करना है एंड आइटम डी के अंदर प्राइस को 5 से डिवाइड करना है। ओके बेटा, तो ये सम पूरा कंप्लीट कर लेना आप। आफ्टर बेटा आपको देखना है एग्जांपल नंबर 22, द डिटेल ऑफ एक्सपेंस ऑन फ्यूल फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्कर ऑफ अ रीजन आर एस फॉलोस। आइटम आपको बेस ईयर दिया है एंड करंट ईयर दिया है। बेस ईयर यानी 0, करंट ईयर यानी 1। बेस ईयर क्वांटिटी यानी क्या होगा बेटा? Q0। बेस ईयर प्राइस यानी P0 एंड करंट ईयर प्राइस यानी P1 बेटा। ओके तो कॉल, केरोसिन, वुड एंड मैच बॉक्स दिया हुआ है। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्यूअल एक्सपेंडिटर फॉर दिस डेटा। तो पहले हमें बेटा प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्यूअल, पहले हमें फ्यूअल का इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। ये जो सारी चीज है ना, ये सब फ्यूअल की चीज है बेटा। तो पहले हमें ये सब की हेल्प से फ्यूअल का इंडेक्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो याद रखो बेटा, फ्यूअल का इंडेक्स आपको टोटल एक्सपेंडिटर मेथड से ही फाइंड करना है। फ्यूअल का इंडेक्स नंबर जो आप फाइंड कर रहे हो वो आपको टोटल एक्सपेंडिटर मेथड से ही फाइंड करना है। तो वो मेथड से फाइंड करने के लिए आपको यहाँ दो कॉलम बनाना होगा बेटा। तो कि कौन से दो कॉलम? तो कि P1Q0 एंड सेकंड P0Q0। तो ये दो जो कॉलम आपके बन जाएंगे, बाद में आपको बेटा मिल जाएगा फ्यूल का इंडेक्स नंबर। देखो यहाँ इसने दो कॉलम बनाए हुए हैं, P1Q0 एंड P0Q0 बेटा। तो आपको यहाँ लिखना है बेटा कि इंडेक्स नंबर फॉर फ्यूल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। तो आप ये दोनों वैल्यू को लिखेंगे तो आपको बेटा फ्यूल का इंडेक्स मिल जाएगा 113.51। ओके बेटा, अब आपको क्या करना है? तो ये इंडेक्स फाइंड करने के बाद इसने देखो यहाँ क्या बताया हुआ है, इफ द एक्सपेंडिटर फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसेलेनियस ग्रुप इन द ईयर 2015 आर 3, 2.5, 4.5 एंड 3.25 टाइम्स रिस्पेक्टिवली दैट ऑफ ईयर 2012 एंड इफ द एक्सपेंडिटर ऑन दिस ग्रुप आर 42%, 50%, 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल एक्सपेंडिटर, देन प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द वर्कर्स। तो आपको बेटा यहाँ कॉलम बनाना होगा कि पहले लिखना है ग्रुप। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप कैलकुलेशन सम कॉलम टाइप भी बना सकते हो बेटा। तो पहले आपको लिखना है फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मिसेलेनियस, फ्यूल, और हमने जो अभी फाइंड किया ना ऊपर जो इंडेक्स नंबर वो फ्यूल का था, तो आपको यहाँ फ्यूल खुद ऐड करना है। यही बात आपको याद रखनी है कि ये जो इसके साथ फ्यूल भी लिखना है बेटा, वो भूलना मत। ओके बेटा, अब इसने बोला था कि 3, 2.5,
4.5, 3.25 बराबर इंक्रीज हो रहा है, तो आप 100 में प्लस माइनस करोगे तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा बराबर। तो हमारे पास देखो ये सही इंडेक्स मिल गया, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस, और ये फ्यूल का जो है वो हमने जो फाइंड किया वो इंडेक्स है बेटा। बाद में जो वेट है, वेट इसने परसेंटेज में दिया है, 42%, 50%, 10%, 12%। तो जो परसेंटेज में होता है तो बेटा टोटल कितना होता है 100। तो आपको ये फ्यूल का फाइंड करना है, 100 में से बाकी सबका माइनस करोगे तो आपको फ्यूल का 21 वेटेज मिलेगा। ओके बेटा, बाद में दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो बाद में बेटा ये जो दोनों है वो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप बराबर, तो IW का मल्टीप्लाई मिल जाएगा। तो वैसे बेटा सबका आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे सिग्मा IW का टोटल मिल जाएगा एंड सिग्मा W मिल जाएगा। तो आपको लिखना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ओके बेटा, तो ये वैल्यू आपको पुट अप करनी होगी बेटा, टोटल वेट, क्लियर बेटा। तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा 271.34। तो आपको बेटा लास्ट में लिखना है कि दस इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ राइज 171.34% इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अंदर 171.34% इंक्रीज हुआ बेटा। मोस्ट टाइम भी सम बेटा बोर्ड में भी आया था 2020 में, और ये कांस्टेंट आता ही रहता है सम, ऐसे बहुत इजी है बट मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो बराबर ध्यान रखना, अगर एक बात गलत हो गई तो पूरा सम गलत हो जाएगा। If the increase in the price relative of three items are 250%, 265% and 300% respectively, and if the ratio of the importance of this item is 8:7:5, find the general price index number। तो बेटा देखो यहाँ मैंने पहले भी एक ऐसा सम आपको करवाया था, तो यहाँ इसने बोला if the increase in the price relative of three items, तो आइटम कौन सी नहीं बताया तो हम कौन सी आइटम लेंगे, आइटम A, B, C। ओके बेटा, अब इसने बोला है कि इंक्रीज, तो आपको एक कॉलम चेंज का बनाना है तो यहाँ बना सकते हो चेंज, कि भाई 250% चेंज हुआ, 265% एंड 300%। बाद में आपको थर्ड कॉलम I का बनाना है कि 350, 365 एंड 400। बाद में W तो इसने दिया हुआ है, देखो दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको सिग्मा IW का टोटल मिल जाएगा। जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, तो आपको इंडेक्स मिलेगा 367.75। क्लियर, अब मिस्टेक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है और कहाँ है, तो स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, ये जो इंक्रीज हुआ ना वो इंक्रीज नहीं करते हैं डायरेक्ट, यही जो वैल्यू है ना वही वैल्यू पुटअप कर देते हैं कि डायरेक्ट इंडेक्स नंबर ले लेते हैं 250, 265, 300। नहीं, वो इंडेक्स नहीं है, 100 में प्लस करने के बाद आपको इंडेक्स मिलेगा बेटा, क्लियर। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो था, हम नेक्स्ट अब सेकंड नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा आप एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 3, 1.4 एंड एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप जब हम मिलेंगे तब इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ओके बाय बेटा।